हाय एवरीवन, दिस इज़ किमी। आप देख रहे हैं आपके सितारे किमी के साथ। आज है 17 अक्टूबर और आज के राशिफल में सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग की। आज का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 9:52 से लेकर 10:24 तक, और जो आज का राहु काल है वो रहेगा दोपहर को 2:28 से लेकर 4:24 तक। तो ये था आज का पंचांग। अब हम बात करेंगे ड्रीम्स की, सपनों की। अक्सर हम सपनों में देखते हैं कि हम अपने जो टीथ हैं उनको ब्रश करें, वी आर ब्रशिंग आर टीथ। तो उसका क्या मतलब होता है? अगर तो हम सिंपल ब्रश कर रहे हैं अपने टीथ बहुत नॉर्मल तरीके से, तो इट मींस कि हमें कहीं ना कहीं अपने अपने आप को या अपनी चीज़ों को लेकर फेयर है, कोई इनसिक्योरिटीज़ है, या हमें कहीं ना कहीं लोगों से बात करने में डर लगता है। मीन्स वी हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपको जो है अपने कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा वर्क करें। इफ़ यू सी कि जो हम वाइल डूइंग ब्रश हमारे टीथ से ब्लीडिंग हो रही है या वहाँ से कुछ ब्लड आ रहा है, इट मीन्स कि हमें ऑलवेज विजडम के पाथ पे चलना चाहिए, इनर सेल्फ पे काम करना चाहिए। हम अपने पे कोई काम नहीं कर रहे, हम अपने को टाइम नहीं दे रहे, तो इनर सेल्फ पे जितना काम करेंगे उतना ही आप पॉलिश होंगे। इफ़ यू सी मिरर वाइल डूइंग ब्रश, मीन्स आप ब्रश करते करते मिरर को देखते हो, तो उसका ये मतलब है आपकी अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं। जितना आप लोगों की लाइफ से कंपेयर करेंगे उतनी ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, उतने ही आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो आपको चाहिए लोगों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर कभी ना करें। एंड इफ़ यू सी सिंक वाइल डूइंग ब्रश, अगर आप सिंक को देखते हो, तो उसका ये मतलब होता है कोई न्यू बिगनिंग्स होंगी, कोई नई चेंज आने वाली है, और आपको पुरानी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थे ड्रीम एनालिसिस ऑन डूइंग ब्रश। अब हम बात करेंगे पहली 6 राशियों की, उनका आज का दिन ऐसा है। सबसे पहले बारी आती है एरिस की, लेट्स सी जो मेष राशि वाले लोग हैं। आज के दिन आपकी एक नई शुरुआत होगी। बहुत ज़्यादा आप टायर्ड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपके साथ मुश्किलें परेशानी चल रही थी, बट आज के दिन आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आप रिलैक्स फील करेंगे कि आपकी नई स्टार्ट होगी, नई लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होगा, कोई न्यू बिगनिंग्स का आज का दिन है आपका। और जितनी भी आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थे, आज के दिन वो सॉल्व होते नज़र आएंगे। और जो मेष राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा रेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉरियंस की, जो वृष राशि वाले लोग हैं। आप विदाउट एनी सोचे समझे, मींस विदाउट प्लानिंग किए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे आपको दिक्कतें आएंगी। आपने जो करना है विद प्लानिंग्स करें, सोच समझ कर करें, अदरवाइज़ जो आपकी ग्रोथ चाहते, जो आपकी लाइफ में चेंजेस चाहते, वो बिल्कुल नहीं होंगी। और जो वृष राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा पिंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेमिनाइज की, जो मिथुन राशि वाले लोग हैं। आज के दिन आप चीज़ों में बहुत अच्छा सा बैलेंस करेंगे, चीज़ों को मैनेज करेंगे, चाहे वो रिलेशन है, हेल्थ है, आपका प्रोफेशन है, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही अपने आपको काम करके आज के दिन आप सारे काम करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नो डाउट थोड़ा सा इमोशनल होंगे, बट फिर भी आप अपने आपको आज के दिन संभाल लेंगे। और जो मिथुन राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा मैरून। इसके बाद बारी आती है कैंसेरियंस की, लेट्स सी जो कर्क राशि वाले लोग हैं। आज के दिन आपके लिए कोई होप आएगी, आपके पास कोई नई एडवाइस आएगी, कई नए लोग आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब थे, आपके कोई काम नहीं बन रहे थे, चीज़ें रुकी हुई थी, बट आज के दिन किसी की हेल्प मिलेगी, किसी की एडवाइस मिलेगी, या लोग आपके सपोर्ट के लिए, आपके लिए हेल्प के लिए आएंगे, तो डेफिनेटली आपके जो रुके हुए काम हैं वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। मीन्स आपके ऑब्स्टेकल्स खत्म होंगे, आपको नया रास्ता मिलेगा, और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और जो कर्क राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा येलो। नेक्स्ट हम बात करेंगे लियोस की, जो सिंह राशि वाले लोग हैं। आज के दिन आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे, पैसे से रिलेटेड आपके सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। आपने बहुत ही अपनी इंटेलिजेंस के साथ, बहुत ही ज़्यादा अपने सूझबूझ के साथ, बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ में अचीव करेंगे, कुछ आज के दिन आपकी अचीवमेंट्स होंगी, तो उस चीज़ के लिए लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेज करेंगे, आपको ऑनर करेंगे। आपके प्रमोशन का दिन भी आज है, और आज के दिन जितने लोगों से आप मिलेंगे, जितना सोशल नेटवर्क बढ़ाएंगे, उतने ही आपके फ्यूचर में आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। और जो सिंह राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा ब्लैक। इसके बाद बारी आती है वर्गोस की, जो कन्या राशि वाले लोग हैं। आज के दिन आपका कोई काम बनेगा, कोई काम कंप्लीट होगा, कोई आपकी बहुत देर से कोई चीज़ रुकी हुई थी वो भी पूरी होगी, और आपने जो अपने हाथ में कोई प्रोजेक्ट या काम लिया था, आज के दिन वो
कंप्लीट हो जाएगा। मींस आज का दिन जो है कंप्लीशन का डे है और किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे आज के दिन उसके रिजल्ट्स भी आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। और जो कन्या राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा मैरून। तो ये था पहली छह राशियों का राशिफल। अब हम बात करेंगे जिनका है बर्थडे, जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी। सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, और जो स्टूडेंट्स उनके लिए ये साल कैसा है, और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और आपके लिए एडवाइस क्या आती है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इस बार इम्प्रूव होगी, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आपको कोई अगर इश्यूज थे तो बहुत अच्छा आपको उसका चीज़ का ट्रीटमेंट मिलेगा, पर आपको रेस्ट भी प्रॉपर करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें वेल्थ की, प्रोफेशनल लाइफ की, तो इस बार धोखा मिलने के चांसेस हैं। बिग इन्वेस्टमेंट्स ना करें विदाउट एनी सोचे समझे, किसी को पैसे ना दे और लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि आपको धोखा मिलने के चांसेस। अगर आप कोई जॉब करें जॉब चेंज ना करें, इस साल तो आपके लिए बेहतर होगा। और जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए ये साल अच्छा है, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपने जितनी मेहनत की उसका आपको फल भी मिलेगा। और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी, मैरिड लाइफ की बहुत अच्छी रहेगी, आपको इस साल बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी इस रिलेशन में। और आपके लिए एडवाइस आती है कि अपने पार्टनर से हर चीज़ शेयर करें, प्लस अपने पार्टनर से जितनी मीटिंग्स करेंगे, जितना उनके साथ बैठेंगे, जितना उनके साथ घूमेंगे, या घर पे अगर नहीं भी घूमना तो घर पे जितना टाइम देंगे उतना ही आपका आपके जो रिश्ते में रिलेशन में और ज़्यादा स्वीटनेस आएगी। तो ये था जिनका बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी। लेट्स सी बाकी की छह राशियों का आज का दिन कैसा है। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। जो लिब्रंस है आज का दिन आपके साथ कुछ भी अनफेयर नहीं होगा और सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से लाइनअप हो जाएंगी, तो जस्टिस आज मिलने के आपके चांसेस, आपको जस्टिस मिलने के चांसेस हैं। और जो तुला राशि वाले लोग हैं उनका उनका जो लकी कलर वो रहेगा पिंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। जो स्कॉर्पियंस हैं आज के दिन आपको कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान दें हेल्थ का, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान दें। लोगों पे आज के दिन विश्वास ना करें, जो करना है खुद करें, किसी पे भरोसा ना करें, अदरवाइज आपके लिए धोखा आपको धोखा मिल सकता है। और बहुत ज़्यादा आपको आज के दिन अलर्ट रहना पड़ेगा। और जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा ग्रीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सजिटेरियंस की। जो धनु राशि वाले लोग हैं आज के दिन आप बहुत ज़्यादा आप में एनर्जी रहेगी, आप चाहते हैं कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना, कोई चाहते हैं कि बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें लाइन अप हो जाएं। रिलेशनशिप में भी आप बहुत ज़्यादा आपके आज के दिन एफर्ट्स होंगे और कुछ नया शुरू करने का सोचेंगे, तो इट्स अ वेरी गुड डे। बट जो भी चीज़ें करनी बट विद फुल प्लानिंग करें, अदरवाइज़ कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी, चाहे आपका रिलेशन है, हेल्थ है, वेल्थ है, तो उसमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर उसमें आपको पेशेंस भी चाहिए, तभी सब कुछ आपका आपके हिसाब से हो जाएगा। और जो धनुराशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा पिंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैप्रिकॉन्स की। जो मकर राशि वाले लोग हैं आज के दिन आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा आज के दिन खुशी मिलने वाली है, बहुत मेहनत आपने की, बट आज के दिन आपको लगेगा कि आपके रुके हुए काम, बाकी के सारे काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। अगर हम बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, तो आज के दिन आपको गेंस होते भी नज़र आ रहे हैं। और जो मकर राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा येलो। इसके बाद हम बात करेंगे एक्वेरियंस की। जो कुंभ राशि वाले लोग हैं आज के दिन आप बहुत ज़्यादा लेज़ी रह सकते हैं, नो डाउट आपके ड्रीम्स बहुत हाई हैं, बहुत कुछ आप अचीव करना चाहते हो, बट अगर आप मेहनत नहीं करोगे, चीज़ों को केयरलेसली लोगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो आप आज के दिन आपको अगर कुछ करना है, कुछ आप पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट पुट करना पड़ेगा। और जो कुंभ राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा रेड। लास्ट पे हम आते हैं पाइसेंस की तरफ। जो मीन राशि वाले लोग हैं आज के दिन आप अपने को बहुत ज़्यादा बंदा बंदा फील करेंगे, जितना आप अपने को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आज के दिन नहीं कर पाएंगे, किसी की बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहेगी आपकी लाइफ में, लोग आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग अफेयर्स में हैं, किसी रिलेशन में हैं, तो उनके लिए आज थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और जो मीन राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा बीच। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। कल का राशिफल जानने के लिए जुड़े रहें आपके सितारे किमी के साथ। थैंक यू।